हमारे पास ये सीएसवी फाइल है, ऐसी एक सीएसवी फाइल है जिसके अंदर जो एंट्रीज पड़ी हुई है उसमें लाइन नंबर वन के ऊपर हेडर पड़ा हुआ है। लाइन नंबर वन के बाद आप ये देख रहे हैं कि हेडर की के अगेंस्ट डेटा पड़ा हुआ है, विच मीन्स द सीरियल नंबर फॉलोड बाय अ कॉमा फॉलोड बाय द नेम फॉलोड बाय अनदर कॉमा फॉलोड बाय द फोन नंबर विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। देर आर मल्टीपल लाइन्स इन दिस सी एस वी फाइल। यू वुड वॉन्ट टू गेट अ सीरियल नंबर एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। लेट से यूजर एंटर करता है 2, तो आप ये करना चाहेंगे 2 के बाद एक लाइन एंटर हो, यहाँ पे हम 3 लिखें, यूजर से एक नया नाम लें, तो फॉर एग्जाम्पल एम अब्बास, और उससे कोई फोन नंबर लें, तो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। दिस शुड हैपन। नॉट ओनली दिस, अब क्योंकि लाइन नंबर 3 में आपके पास एंट्री एड हो गई है, अगली वाली लाइन जो है उसका सीरियल नंबर अब 3 नहीं होगा बल्कि 4 हो जाएगा, और उससे अगली वाली लाइन का सीरियल नंबर अब 4 नहीं होगा बल्कि 5 हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। इन ऑर्डर टू डू दिस आई वुड वांट टू फॉलो दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम जो अब आपके साथ में करने लगा हूं। वी वुड क्रिएट अ न्यू फाइल, अ टेम्पररी फाइल। लेट्स कॉल दिस फाइल एज temp.txt। वी वुड ओपन दिस फाइल। लेफ्ट साइड के ऊपर आपकी ओरिजिनल फाइल है विच इज file.csv, और राइट साइड के ऊपर आपकी वो टेम्प फाइल है जो कि आपने अभी क्रिएट की है। आप ये चाहेंगे कि अगर यूजर ने लेट से लाइन नंबर 2 एंटर की है तो लाइन नंबर 2 तक की जितनी भी एंट्रीज हैं वो एज सच आपकी टेम्पररी फाइल के अंदर आके सेव हो जाएं। फिर आप ये चाहेंगे कि लाइन नंबर 3 सीरियल नंबर एंट्री 3 आप यूजर से इनपुट लें, वट एवर द इनपुट इज वो आप फाइल में यहाँ पे स्टोर कराएं एक टेम्पररी फाइल में। टेम्पररी फाइल के अंदर अब जो एंट्री आएगी दैट वुड बी 3 M Abbas कॉमा डी फोन नंबर जो हमारी एग्जांपल में आज हम लेंगे 1 2 3 4 5 6। उसके बाद नीचे वाली जो एंट्रीज हैं वो मैं एज सच कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा, हाउ एवर विद अ सिंगल चेंज के सीरियल नंबर मैं चेंज करता रहूंगा और नाम और फोन नंबर एज सच आते रहेंगे। लास्ट लाइन के अगेंस्ट मैं सीरियल नंबर अगेन चेंज करना चाहूंगा और उसके अगेंस्ट कॉमा ऐड करने के बाद इसका नाम और इसका फोन नंबर भी एज सच मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना चाहूंगा। अब हमारे पास ये जो file.csv है ये ओवरराइट हो गई होगी। वी वुड वांट कि अब ये temp.txt डिलीट हो जाए। दैट इज द एल्गोरिथम दैट वी वुड फॉलो। अनदर पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज के सीएसवी फाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीएसवी फाइल्स के थ्रू आप एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं। तो अगर मैं इस वक्त ये file.csv को ओपन करूं तो बेस्ड ऑन दीज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आप ये देखेंगे कि हर वैल्यू जो हमने कॉमा से सेपरेट की हुई है वो एक अलहदा कॉलम के अंदर जाके ऐड हुई है। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर टास्क। दिस वुड बी द व्यू दैट वी वुड बी वर्किंग ऑन। कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि ऑलरेडी आपने बहुत दफा किया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। आई वॉन्ट टू रीड द एंट्रीज विच आर प्रेजेंट इन दिस file.csv. Let's do that. Please note that this particular file is different from the remaining files जिसके ऊपर हमने काम किया हुआ है, क्योंकि इसमें पहली दफा आप एक लाइन देख रहे हैं the header of your file. Let's start reading the file. The first entry that we have is an integer serial number. The next entry that we have is a name. वी वुड वॉन्ट के ये नेम हमारे पास एक कैरेक्टर अरे के तौर के ऊपर आए जिसके अंदर हम मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स रख लेते हैं, इसको भी इनिशियलाइज करवा लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास एंट्री है वो फोन नंबर की है, सो यू कुड हैव इंटरनेशनल नंबर्स एज वेल, देयर कुड बी डैशेज, देयर कुड बी ब्रैकेट्स इन USA बेस्ड नंबर्स एज वेल। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे इंटीजर के ऊपर काम नहीं करना चाहूंगा इन केस ऑफ फोन नंबर। आई वुड वॉन्ट टू टेक अ कैरेक्टर अरे and I would assume that the maximum characters in that character array for phone number is 20. अब आपने क्योंकि सारी एंट्रीज को रीड करना है, let's write a while loop. End of file तक हम रीड करना चाहेंगे एंट्रीज को. So right now, if you see, हमने यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 एंटर करवा ली है, हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया है इससे अगला कैरेक्टर, हमने उसके बाद गेट लाइन के थ्रू नेम को एंटर करा लिया टिल दिस कॉमा, एंड राइट नाउ
वी आर हेयर एंड वी जस्ट नीड टू रीड दिस फोन नंबर. ऑल राइट, सो वी हैव रेड ऑल द एंट्रीज ओवर हेयर, वी वुड वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑल दीज एंट्रीज एज वेल. प्रोग्राम को अगर इस स्टेज के ऊपर हम चलाएं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये एंट्रीज रीड होनी चाहिए और ये एंट्रीज हमें कंसोल पे आउटपुट मिलनी चाहिए. लेट्स ट्राई टू रन आवर प्रोग्राम एंड लेट्स सी वेदर दैट्स द केस और नॉट, एंड यू वुड सी दैट दैट अनफॉर्चुनेटली इज नॉट द केस. व्हाई इज दैट नॉट द केस? वेल, दैट्स नॉट द केस बिकॉज हमने जितनी भी वैल्यूज रीड की हैं वो लाइन नंबर 2 से को सोचते हुए रीड की हैं. वी फॉरगॉट दैट वी हैव गॉट अ फर्स्ट लाइन एज अ हेडर एज वेल, हमने उसको सबसे पहले रीड करना है. आपकी जो स्ट्रक्चर्ड फाइल है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइन नंबर 2, द इजिएस्ट वे ऑफ डूइंग इट वुड बी कि मैं ये देख लूं कि लाइन नंबर 1 में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने पड़े हुए हैं, उसकी एक टेम्पररी सी स्ट्रिंग बनाओ और लाइन नंबर 1 को सारी की सारी को एज सच रीड कर लो. फॉर डूइंग दैट आई नीड टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन लाइन नंबर 1. तो लेट्स क्रिएट अ कैरेक्टर अरे टेम्प. द साइज ऑफ दिस अरे इज 24. तो हम यहाँ पे इन डॉट गेट लाइन के थ्रू टेम्पररी के अंदर रीड कर लेते हैं और अप टिल 24. रेस्ट अशोर्ड अगर आप यहाँ पे कोई डिलिमिटर नहीं लेते तो बाय डिफॉल्ट जो डिलिमिटर होता है दैट इज बैक स्लैश एन. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जब मैंने यहाँ पे 4 नंबर के अगेंस्ट एंट्री ली है तो मैंने यहाँ पे कोई डिलिमिटर ऐड नहीं किया क्योंकि हमारा 4 नंबर एंड पे पड़ा हुआ है, बैक स्लैश एन तक वो एंट्री उठाएगा. प्रोग्राम को अगर इस स्टेज के ऊपर हम चलाते हैं विद वन चेंज ओनली कि ये जो फर्स्ट लाइन के अंदर हमने इनपुट लिया है सबसे पहले इसको भी आउटपुट करा लेते हैं, तो अब आप ये देखेंगे कि शायद आपकी फाइल जो है वो रीड हो जाए. एंड यस, दैट्स द केस, यू आर एबल टू रीड ऑल द एंट्रीज ऑफ योर फाइल एज वेल. आई डोंट वॉन्ट कि हमारे पास आउटपुट में यहाँ पे स्पेसेस आए. हम ये चाहेंगे कि जहां जहां पे कॉमा पड़ा हुआ है वहां वहां पे कॉमा आ जाए. तो उसके लिए यू जस्ट नीड टू मेक वन चेंज ओवर हियर कि जहां जहां पे स्पेस लिखा हुआ है वहां वहां पे आप कॉमा ऐड कर दीजिए. एंड नाउ यू सी एग्जैक्टली दैट थिंग ऑन द कंसोल विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ व्हाट वुड वी वांट? गेट द सीरियल नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूजर. लेट सेंड अ मैसेज. तो याद रखें अगर यूजर यहाँ पे 2 एंटर करता है तो 2 के ऊपर वैल्यू एड नहीं होगी, 2 के बाद जाके वैल्यू एड होगी. लेट्स कॉल दिस एज इनपुट सीरियल नंबर एंड आई वुड वॉन्ट टू डिक्लेयर दिस इनपुट सीरियल नंबर एज वेल. हम अपनी फाइल के अंदर से डेटा को रीड करवाते जा रहे हैं, डेटा को आउटपुट करवाते जा रहे हैं. एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपका सीरियल नंबर मैचेज एग्जैक्टली विद द इनपुट सीरियल नंबर, ठीक है, आपका वो मैच हो जाता है. हाउ टू एक्चुअली चेक कि वो मैच हुआ है या नहीं हुआ? ओवर हियर हम यहाँ पे एक इफ लगाना चाहेंगे और हम ये देखना चाहेंगे कि क्या सीरियल नंबर मैच हो गया है विद इनपुट सीरियल नंबर. इफ दैट्स द केस तो हम यहाँ पे एक मैसेज करेंगे, यस ऑल प्रीवियस डेटा हैज बीन रेड. और मैं यहाँ पे एक इन्फिनिट वाइल लूप लगाना चाहूंगा. प्रोग्राम को चलाते हैं. यू गेट अ मैसेज ओवर हियर, एंटर अ सीरियल नंबर आफ्टर विच यू वॉन्ट टू इंसर्ट डेटा. लेट्स से आई वॉन्ट टू एंटर 2 ओवर हियर. तो आप ये देखेंगे कि लाइन नंबर 2 तक सारी एंट्रीज जो है वो डिस्प्ले हो गई है और अब आप लाइन नंबर 3 जहां पे आपने डेटा को इंसर्ट करवाना है वहां तक आ चुके हैं. अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन याद हो तो दिस इज व्हाट आई वांटेड. मैं ये चाह रहा था कि जहां पे मैंने लाइन इंसर्ट करनी है वहां तक जितनी भी एंट्रीज है वो मैं एक नई फाइल में सेव कर लूं. सो इस स्टेज के ऊपर इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग दीज वैल्यूज ऑन कंसोल हम ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो एक फाइल में आउटपुट करवाना चाहेंगे. ऑलराइट, सो एट दिस स्टेज We know that we now want to create a new file. If our file.dat exists, let's create an output file as well. OF stream out. हम out के through open करना चाहेंगे एक file. If it does not exist, it will automatically get created. और जो file हम create करना चाह रहे हैं that is temp.txt. एक काम हम और करना चाहेंगे वो ये कि अब जितना भी data है वो हम सी आउट नहीं करवाना चाहेंगे, वो हम इस फाइल में आउटपुट कराना चाहेंगे. द ओनली डिफरेंस नाउ वुड बी कि जहां जहां पे सी आउट लिखा हुआ है वहां वहां पे आप आउट करवा दीजिए. दैट्स इट.
लेट्स रन आवर प्रोग्राम अगेन टू सी वेदर इट वर्क्स फाइन और नॉट. लेट्स रन इट अगेन. वी वुड वांट कि हम सीरियल नंबर 2 तक सारी एंट्रीज जो है वो यहाँ पे बेसिकली जो है वो रीड करें. ऑल प्रीवियस लाइंस हैव बीन रेड. लेट्स एंड आवर प्रोग्राम हियर. लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड temp.txt. सो इनसाइड temp.txt यू सी द फर्स्ट 2 लाइंस प्रेजेंट. दैट इज व्हाट वी वांटेड. नाउ वी वुड वांट कि लाइन नंबर 3 जो कि हमें ये पता है कि यस ऑल प्रीवियस एंट्रीज हैव बीन रेड के बाद इस वाइल लूप के ऊपर आके फंसी हुई है. यहाँ पे यूजर से अब इनपुट करा लेते हैं कि व्हाट इज द नेम दैट यू वांट, व्हाट इज द फोन नंबर दैट यू वांट. और फिर हम करेंगे ये कि जो भी यूजर फोन नंबर देगा, जो भी यूजर हमें नेम देगा, वो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर जहां पे हम ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं वहां पे सिंपली हम आउटपुट करवा लेंगे. नाउ वी नो दैट फर्स्ट 2 लाइंस आर बीइंग एंटर्ड. एक कैरेक्टर अरे बनाते हैं यहाँ पे जिसका नाम लेते हैं हम यहाँ पे नेम इनपुट. 50 कैरेक्टर्स उसमें रखते हैं, इसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं. लेट्स रिक्वेस्ट द यूजर टू एंटर द नेम यू वांट टू इंसर्ट आफ्टर लाइन. लाइन का नाम दे देते हैं यहाँ पे और यूजर से इनपुट ले लेते हैं थ्रू द कंसोल सीन डॉट गेट लाइन इन दिस वेरिएबल विच इज नेम इनपुट एंड वी वॉन्ट अ मैक्सिमम ऑफ 50 कैरेक्टर्स ओवर हियर. अगली जो एंट्री हम यूजर से लेना चाह रहे हैं वो है फोन नंबर की. लेट्स क्रिएट अनदर सी स्ट्रिंग हियर. दैट इज फोन नंबर एंट्री 20 कैरेक्टर्स एट मैक्स. लेट्स इनिशियलाइज दिस अरे. लेट्स गिव अ मैसेज टू द यूजर टू एंटर द फोन नंबर. लेट्स गेट दिस फोन नंबर फ्रॉम द कंसोल फ्रॉम द यूजर इन द वेरिएबल विच इज फोन नंबर एंट्री. कि आप जो नई एंट्री हमने की है वो भी हमने आउटपुट करानी है फाइल पे, बट उसकी आउटपुट कराते हुए हमने फाइल के अंदर जो आउटपुट कराना है दैट इज सीरियल नंबर या इनपुट सीरियल नंबर, क्योंकि दोनों इक्वल है. बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर. दैट्स वाई यू आर इनसाइड दिस इफ. वो प्लस 1 कि यू हैव टू एक्चुअली एड प्लस 1 ओवर हियर, क्योंकि अब आप 2 आउटपुट नहीं कराना चाह रहे, 2+1 यानी कि 3 आउटपुट कराना चाह रहे हैं. फॉलोड बाय अ कॉमा देन फॉलोड बाय आर न्यू नेम विच इज नाउ प्रेजेंट इन नेम इनपुट फॉलोड बाय अनदर कॉमा देन आर फोन नंबर एंड एन एंड एल ओवर हियर. लेट्स री रन आवर प्रोग्राम एंड अगेन यू वुड सी अ न्यू फाइल गेटिंग क्रिएटेड विच इज क्रिएटेड ओवर हियर. लेट्स एंटर द सीरियल नंबर विच इन आर केस इज 2. आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको फॉरन से पहले उसने नाम के अंदर एंट्री नहीं लेने दी और डायरेक्ट वो आ गया फोन नंबर पे. लेट्स से कि हम यहाँ पे फोन नंबर के अंदर कम से कम जरूर एंट्री कर देते हैं और फिर देखेंगे कि ये एरर क्यों आया है. इट्स नॉट अ कंपाइल टाइम एरर. आगे जाके आप ये देखेंगे कि आपके पास रन टाइम एरर्स भी आएंगे. दिस बाय द वे इज अ लॉजिकल एरर दैट वी हैव. इस स्टेज के ऊपर आपको ये लग रहा होगा कि ये तो लॉजिकल एरर भी नहीं आना चाहिए बिकॉज वी डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग इन आवर कोड. और दैट इज ट्रू. यू डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग इन द कोड. आई डिड समथिंग रॉन्ग इन द कोड. ऑलराइट वी आर एंटरिंग 1 2 3 4 5 6 जस्ट टू सी के हमारी temp.txt में क्या आया. आप ये देखेंगे कि आपकी जो temp.txt है उसके अंदर लाइन नंबर 3 प्रॉपरली इंसर्ट हो गई है. देर आर 3 प्रॉब्लम्स दैट आई एम फेसिंग राइट नाउ. इमीडिएटली जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है वो ये कि हमारे पास नाम के अंदर एंट्री नहीं आई. प्रॉब्लम नंबर 2, यहाँ पे सीरियल नंबर के अगेंस्ट अब 3 नहीं आना चाहिए था बल्कि 4 आना चाहिए था. यहाँ पे 4 नहीं आना चाहिए था बल्कि 5 आना चाहिए था. दिस इज आर प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 3, आई टोल्ड यू इफ देयर आर एक्स्ट्रा लाइंस एट द एंड, एक्स्ट्रा एम्प्टी लाइन सिमिलर टू दिस लाइन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ यू, यू वुड हैव जंक वैल्यूज व्हाइल रीडिंग योर फाइल्स. हमने इन तीनों प्रॉब्लम्स को 1 by 1 रेक्टिफाई करना है. स्टार्टिंग फ्रॉम द इजिएस्ट प्रॉब्लम टू रेक्टिफाई विच इज टू गेट द नेम एज एन इनपुट फ्रॉम द यूजर. अगेन यहाँ पे temp.txt मैं डिलीट करना चाहूंगा. आई वुड वॉन्ट टू कम बैक टू माई कोड एंड आई वुड वॉन्ट टू टेल यू के हुआ क्या है. जो मसला हुआ है यहाँ पे वो कुछ इस तरह का है कि आपने एक्चुअली कीबोर्ड के थ्रू
एंटर किया टू, और टू के बाद आपने एंटर किया एक बैक स्लैश एन, टू के बाद आपने एंटर किया एक एंटर का साइन। जब आपने वो एंटर का साइन एंटर किया, नेक्स्ट इनपुट जो कंसोल के ऊपर आ रही थी दैट वाज दिस नेम एंट्री, दैट वाज दिस नेम की इनपुट। आपके कंपाइलर को ऐसा लगा कि आपने नेम की एंट्री के अंदर कुछ भी एंटर नहीं किया, और वो बैक स्लैश एन जहां तक उसने गेट लाइन को रीड करना था उसको उसने पिक कर लिया फ्रॉम द प्रीवियस इनपुट दैट यू वर टेकिंग, जिसकी वजह से उसने ये वाली इनपुट जो है वो इग्नोर कर दी, इस वाली इनपुट को उसने लिया ही नहीं। नाउ हाउ टू कैटर दिस सिनेरियो, वेल व्हेन एवर यू आर टेकिंग सीन डॉट गेट लाइन इन सच अ वे कि उससे पहले आप कोई और डेटा टाइप की एंट्रीज ले रहे हैं। देखिए ये मसला दो गेट लाइन्स के साथ नहीं आएगा, ये मसला फोन नंबर के साथ नहीं आया, फोन नंबर के साथ इसलिए नहीं आया क्योंकि गेट लाइन के केस के अंदर बैक स्लैश एन जो है दैट्स अ पार्ट ऑफ योर गेट लाइन। However, for data types such as integer or float, for primitive data types, so how to cater this? We somehow have to make sure कि जब भी आप कोई गेट लाइन लिख रहे हैं और आपकी एंट्री स्किप हो रही है उसके ऊपर जाके सिर्फ और सिर्फ सी इन डॉट इग्नोर लिख दीजिए। सी इन डॉट इग्नोर वुड इग्नोर दैट बैक स्लैश एन एंड इट वुड गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टिफाई हो गई है? I would want to run my code again. तो अब आप ये देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे टू एंटर करता हूं, अब आपसे पूछा जा रहा है कि नेम के अंदर वैल्यू एंटर करें। Now let's add our name. Next input entry जो आ रही है that is the phone number. That's it. Our program has ended. अगर मैं इस स्टेज के ऊपर आपको temp.txt दिखाऊं तो yes, the name is getting as an input. पहला मसला जो कि आसान तरीन था that has been resolved. अब चलते हैं अपने अगले मसले के ऊपर। एंड फॉर डूइंग दैट आप ये देख रहे हैं कि ये एंटर साइन आ इसलिए रहे हैं क्योंकि मैंने फोन नंबर के बाद एंडल लगाया हुआ है। मैं चाहता ये हूं कि मैं फोन नंबर के बाद एंडल ना लगाऊं, मैं सीरियल नंबर से पहले एंडल लगा लेता हूं। तो लाइन नंबर टू के बाद एम अब्बास 1 2 3 4 5 6। लेट्स सी दिस temp.txt अगेन। The only issue left now is कि ये जो आपके पास एक temporary line output आ रही थी इसके बाद आपको एक candle नजर आ रहा है। That is very easy to resolve. ये temporary line जो आपके पास ये temp के तौर पे आ रही है इसके बाद वाला candle खत्म कर दीजिए तो आपका ये issue भी resolve हो जाएगा। I would want to run the program again. Let's now open our file again. So you would see कि yes, हमारे end वाला candle भी खत्म हो गया और हमारी फाइल जो है वो अब तकरीबन वैसी ही नजर आ रही है जैसे कि फाइल डॉट सी एस वी थी। द ओनली इशू लेफ्ट नाउ इज कि अब आप चाहेंगे कि जब आपने एक नई लाइन एंटर कर दी है तो अब आपके सीरियल नंबर्स जो है उसमें प्लस वन होना स्टार्ट हो जाए। वी वुड वांट कि ये वाली आउटपुट जिसके अंदर सीरियल नंबर्स एज सच आउटपुट हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ तब सीरियल नंबर आउटपुट हो जब आपने कोई एंट्री नहीं की। जब आपने कोई एंट्री कर ली है तो फिर आप चाहेंगे कि सीरियल नंबर वाली ये स्टेटमेंट्स आउटपुट ना हो, सीरियल नंबर प्लस वन वाली स्टेटमेंट्स आउटपुट होना स्टार्ट हो जाए। हाउ टू डू दैट? इट्स वेरी इजी। वंस यू हैव एंटर्ड समथिंग मेक श्योर दैट द एंट्री हैज बिकम ट्रू। यू वुड वॉन्ट कि ये वाली आउटपुट सिर्फ और सिर्फ तब आए जब आपकी एंट्री है फॉल्स। इफ द एंट्री इक्वल्स टू फॉल्स तो आप चाहेंगे कि सीरियल नंबर आउटपुट हो जाए। आप यहाँ पे खाली else भी लिख सकते हैं which would mean कि अगर एंट्री ट्रू हो गई है तो फिर आप क्या करेंगे, जो अब एंट्री ट्रू हो गई है तो फिर आप क्या करना चाहेंगे, फिर आप ये करना चाहेंगे कि यही आउटपुट करवाइए बट विद वन डिफरेंस एंड दैट वन डिफरेंस वुड बी दैट अब आप यहाँ पे सीरियल नंबर प्लस वन आउटपुट करवाना चाहेंगे। जस्ट फॉर कोड रीडेबिलिटी हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे इफ एंट्री becomes equal to true. Entry becomes equal to true का मतलब है कि entry हो चुकी है। You would want to create a boolean variable at the start जिसका नाम आप रखना चाहेंगे entry, और start में क्योंकि entry नहीं हुई इसलिए आप entry की value रखना चाहेंगे false. Run our program. Let's now see what side by side आपको open करके दिखाते हैं। आप ये देख रहे हैं
ये लाइन नंबर थ्री एंटर भी हो चुकी है और अगली लाइंस जो हमारे पास हैं उनके नंबर्स भी फोर और फाइव के तौर पे ही नजर आ रहे हैं. वी हैव नॉट कंप्लीटेड आर कोड येट. नाउ दैट वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड द एंट्रीज इन अ टेम्परेरी फाइल, वी वुड वॉन्ट कि वो टेम्परेरी फाइल का सारा डेटा हमारी एक्चुअल फाइल में जाके कॉपी हो जाए. इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. हमने जहाँ पे इनपुट फाइल को क्लोज की है उसके बाद जाके हम अपनी आउटपुट फाइल को भी क्लोज करना चाहेंगे. अब काम बड़ा आसान सा है, कॉपिंग द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल इनटू अनदर. वो वीडियो अगर आपको याद हो तो उसके अंदर मैंने क्या किया है, लाइन बाय लाइन एंट्रीज को एंड ऑफ फाइल तक उठाया है और उसको कॉपी कर दी है. यहाँ पे काम जरा थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम एंट्रीज जो है वो लाइन बाय लाइन नहीं उठा सकते क्योंकि हर लाइन की लेंथ डिफरेंट हो सकती है. अब हम करना ये चाहेंगे कि हम इनपुट के थ्रू temp.txt रीड करना चाहेंगे. यहाँ पे ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि temp एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही क्योंकि ऊपर वाला कोड वुड मेक श्योर दैट इट इज क्रिएटेड. नाउ लेट्स आउटपुट द एंट्रीज इन file.csv. अब हम रीड करना चाहेंगे हमारी फाइल इनपुट के एंड ऑफ फाइल तक. सो इनपुट इज नाउ एसोसिएटेड विद temp.txt. याद रखें कि आपके पास जो पहली लाइन है उसको आपने सबसे पहले आउटपुट कराना है. अगर आप उसको सबसे पहले आउटपुट नहीं कराएंगे तो आपको वैसे ही एरर्स मिलेंगे जैसे कि हमें सी आउट कराते हुए 0000 वाली एंट्रीज के तौर पे आउटपुट के तौर पे कंसोल पे मिली. आई थिंक इस स्टेज के ऊपर जो है ना ब्लंटली विदाउट लुकिंग एट द फर्स्ट लाइन हम कम अज कम सेकेंड लाइन से एंट्रीज जो है उसको आउटपुट कराना स्टार्ट कर देते हैं. वी आर इग्नोरिंग आर फर्स्ट लाइन. हम डायरेक्ट लाइन नंबर टू से डेटा को रीड करने लगे हैं. सो इस डेटा को रीड करने के लिए कोई नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है. हम इनपुट कराना चाहेंगे सीरियल नंबर की वैल्यू. हम उसके बाद इग्नोर कराना चाहेंगे इस कॉमा को. हम उसके बाद गेट लाइन के थ्रू लेना चाहेंगे हमारा नाम टिल दिस कॉमा. हम उसके बाद ये फोन नंबर इनपुट लेना चाहेंगे विदाउट एनी डिलिमिटर. एंड दैट्स इट, ऑल आर एंट्रीज हैव बीन रेड. ये सारी एंट्रीज अब हम हमारी आउटपुट फाइल में आउटपुट कराना चाहेंगे. गोइंग टू कॉपी एवरीथिंग. प्लीज नोट दैट एट दिस स्टेज मैंने फर्स्ट लाइन को इग्नोर किया. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. You are in an infinite loop. Let's see what has happened. Over here, it says that file.csv has been changed and you see something very wrong here. It's only because of the fact कि हमने हमारी जो पहली लाइन है उसको प्रॉपरली आउटपुट नहीं कराया. हमारी जो पहली लाइन है उसके अगेंस्ट जो पहले कोड हमने लिखा हुआ था उसको एज सच कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, which is to get the line in temp and then to output this temp. So now we have made sure कि दैट फर्स्ट लाइन इज बीइंग रेड. हम उसको आउटपुट भी करा रहे हैं और प्रोग्राम को चलाने से पहले आई वुड वांट टू मेक श्योर कि ये जो दो फाइलें हमने यहाँ पे ओपन की हैं इनको भी हम क्लोज कर लें. लेट्स रन आवर प्रोग्राम. दैट्स इट, दीज एंट्रीज हैव बीन ओवररिटन. आप ये देखेंगे कि ये एंट्रीज एज सच हमारी फाइल .csv में कॉपी हो गई है. लास्ट बट नॉट लीस्ट, we want to remove this temporary file from here as well. आपने देखा होगा कि जब विंडोज प्रोग्राम इंस्टॉल करता है तो there are certain temporary files that are getting created and after the installation is complete those temporary files do get deleted as well. How is that done? We are going to do the same. हम यहाँ पे एक function call करेंगे and that function is called remove. remove के function के अंदर जो हमने temporary file create की है which is temp.txt उसको हम रिमूव करना चाहेंगे. लेट से नाउ वी वांट टू एंटर अ डेटा आफ्टर लाइन नंबर वन. सो यू सी दिस फाइल क्रिएटेड ओवर हियर. योर फोकस शुड बी ऑन दिस फाइल .txt. आई वांट टू एंटर अ डेटा आफ्टर लाइन नंबर वन. लेट से द डेटा इज अगेन द सेम. एज सून एज द प्रोग्राम एंड्स यू सी दैट दिस फाइल इज नो लॉन्गर देयर. आपका ये जो फाइल .csv है इसके अंदर भी डेटा अपडेट हुआ है और लाइन नंबर वन के बाद आपको यहाँ पे लाइन नंबर टू के ऊपर एडिशन नजर आ रही है.